What's up my YouTube and YouTube producers, this is Mack Beats. Mack Beats Studio channel में आप सभी का स्वागत है. FL Studio में अगर आप कोई song बना रहे हैं या कोई project बना रहे हैं या किसी project पे काम कर रहे हैं तो उस project के FLP को किस तरह से आप save करेंगे जिससे आप बाद में आप उसे आसानी से edit कर सकते हैं. जैसे कि vocals add करना या mixing अलग से करना, volume control अलग से करना या फिर गाने का scale चेंज करना, आप इससे रीएडिट कर सकते हैं. आप मिक्सिंग मास्टरिंग या तो इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं. तो पूरे प्रोजेक्ट को आप आसानी से रीएडिट कर पाएंगे. तो आज भी बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं जो ओल्ड वर्जन या तो न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं. आज भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है या तो FL Studio को नए से यूज़ करने जा रहे हैं. और ये एक नया अपडेट है, नया वर्जन आया है 20.6 FL Studio का, जिसमें आप किस तरह से FLP प्रोजेक्ट को सेव करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. आज भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है कि 20.6 नए वर्जन अपडेट में FL Studio के किस तरह से सेव करना है FLP प्रोजेक्ट. तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. तो अभी इस पे क्लिक करने के बाद तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा. आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट आ गया है इस तरह से. ये पूरा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. ये डेमो के लिए ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ. तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया है. अब ये पूरा प्रोजेक्ट हमें FLP में अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड में यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नीचे देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया है. एक्सपोर्ट के अंदर हम चाहे तो वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, MP3 फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हैं या तो MIDI फाइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डेटा फाइल्स. तो ये ओल्ड वर्जन जैसे FL12 या FL20 में ये ऑप्शन आते होंगे बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे. जैसे आप ऊपर देख सकते हैं जिप लूप पैकेज लिखा हुआ है, जिप लूप पैकेज. तो हमें ये ऑप्शन एडवांस जो कि 20.6 वर्जन में आता है तो आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से. अगर आप प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे रीनेम कर सकते हैं. मैं इसको इसी तरह से रखता हूँ. सेव करेंगे. सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सामने ये zip फाइल आ चुकी है और इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे. जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे हम देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद ये सारे साउंड्स आपके सामने, जो ड्रम किट्स है ये सारे सैम्पल्स आपके सामने आ चुके हैं, वो भी FLP के साथ. FLP के साथ ये सारे सैम्पल्स आ चुके हैं. तो इस तरह से इस FLP को आप यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से आप पूरे FLP प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं. तो वापस इस प्रोजेक्ट को अगर री एडिट करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो आप वापस उस पर क्लिक करेंगे. FLP पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वही प्रोजेक्ट वापस आ गया है. अभी आसानी से आप एडिट कर सकते हैं. इस तरह से FLP प्रोजेक्ट को आप सेव कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. अगर आप FLP प्रोजेक्ट फाइल पे पासवर्ड रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉम्प्रेस एंड ईमेल पे क्लिक करना होगा. जैसे कॉम्प्रेस एंड ईमेल पे क्लिक करोगे इस तरह का आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा. जैसे ही आप सेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके हिसाब से आपको पासवर्ड टाइप कर देना है और सिंपली ओके कर देना है. आई एम श्योर आज आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी. लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैक साइनिंग आउट. Beats.